भाई बाइक देखो यहाँ से घूम के डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी। वो तो जेरिकन पैनियर इन्होंने सेफ और फिर भी स्लो स्पीड थी, अदरवाइज ना देखा घूम गई थी चिकनी मिट्टी। ओ भाई तो भाई आग तो जला ली थी, लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट होगी और कवर करने के लिए कुछ था नहीं, तो इस वजह से अपना अब निकल लिए यहाँ से। फिर आगे एक बार देखते हैं आगे का माहौल कितनी दूर है यहाँ से, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि पास है, और वैसे लग रहा है कि भाई अभी टाइम लगेगा पहुँचने में। छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग है और भाई मज़ा आने वाला है, वापिस भी यहीं से आना पड़ेगा ना। तो असली जो झमेला ना वो वापसी में है, क्योंकि जब बाइक डाउन जाएगी ना उसमें गंदा सीन हो जाता है, गंदा इसमें भी है। ओ भाई चलो चलो चल 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 शेरा। वैसे शेरा की खास बात है, शेरा मतलब अपनी बाइक, बेचारी हार नहीं मानती। ओ भाई तो बाकी राइडर आगे जा लिए। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। पिछले वाला टायर ना और किसी रेस देते के साथ ही स्किड मार रहे हैं। ओए होए ओ भाई ओए होए होए गई 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 बच गई। जितना दिखने में इजी लग रहा ना भाई, मेरे ख्याल से उससे 10 गुना ज़्यादा टफ है। ओए बाइक ना ऐसे जो रैली होती है ना, रैली में पीछे से मतलब पिछला टायर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है और अगले वाला दूसरी में, वो बड़ा सीन हो रखा है। लो बाकी राइडर भी हैं आगे। गंगा धारा गंगा, ओ भाई सैडलिंग की वजह से थोड़ा सा इजी है। बैठ के थोड़ा टफ है भाई, मतलब अगर आप सैडलिंग अच्छे से कर सकते हो ना तो रास्ता कट जाएगा, अदरवाइज आप कट जाओगे। ओ भाई मजा आ गया। ओए होए 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 ये
गिर गई होती, बाल बाल बचे। हल्का सा टोटल ज़्यादा था ना, तो पिछले वाला टायर स्किड कर रहा है। टायर स्किड मतलब बाइक नीचे। भाई साहब दंका लगने वाला रास्ता है, एक बार बाइक देखो कैसे टायर स्किड कर रही है। ओए होए ओहो, पीछे आने के भी चांस ज्यादा है बाइक के। ओ भाई अपना इसमें से सैडलिंग कर लेते हैं। ओए होए सैडलिंग का सिर्फ ये फायदा है, आप स्टीयरिंग के साथ साथ बॉडी को भी बैलेंस करके चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बैठ के अगर चलोगे तो पैर दाएं बाएं टिकेंगे ही टिकेंगे। ओ भाई जय शिव शंभू, ओ हर हर महादेव। यहाँ पे देखो यार बिल्कुल कोरा कोरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो राइडर का आने का वेट करता हूँ, उसके बाद निकलूँगा, क्योंकि एक से भले दो भाई कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर बचा होगा, अतुल भाई ने शायद रीडिंग नोट की थी तो उनसे पूछता हूँ एक बार। आवाज़ तो आ रही है बाइक की, आगे रीडिंग नोट की थी तूने? रीडिंग कितने किलोमीटर था उस टाइम? 12 किलोमीटर आया। अच्छा अच्छा और रह रहा है किलोमीटर आया वहां से, वहां से तो 6 किलोमीटर और बचा हुआ। 3 किलोमीटर बता रहे थे मेरे ख्याल में, पहुंचने वाले हैं 3-4 किलोमीटर और। चलो फिर 3-4 किलोमीटर और बचा हुआ देखते हैं। भाई साहब कोहरा सच बताऊं बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे ये कोई गांव भी है? ओ भाई उस तरफ का तो दिखाई भी नहीं दे रहा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना पता भी नहीं चलेगा। तो अपना लेफ्ट में रखते हैं और स्पीड थोड़ी कम, लेकिन सैडलिंग मैं करूँगा क्योंकि बिना सैडलिंग के बाइक स्किड होने के चांसेस ज़्यादा है। और बाइक में से ना कुछ आवाज़ आ रही है गड़ 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 की, मतलब पता नहीं हो किस चीज़ की आवाज़ है। भाई ये तो एक्सट्रीम होगी यार, अमित भाई की कॉल आ रही है। हेलो कितने भाई साहब बिजली महादेव पहुंचने वाले हैं, बस 5-4 किलोमीटर रह रहा है। बारिश है भाई? बारिश तो थी, जो नजारे आ रहा ना भाई अमित, तो भाई तू यकीन नहीं मानेगा, नगर तक लेक है और बिजली महादेव तक रास्ता तो है मेरे ख्याल से 18-20 किलोमीटर का ही, 3 घंटे तक तो चल रहे हैं। पैदल चल रहे ना? ना बाइक पे, बाइक वाले रास्ता को जा रहे हैं। भाई साहब तू आ जंदा ना, तू नु को मेरे पे बाइक ना लिखड़ा तू काट।
मड इतना ज्यादा है। ये है एक तरीके से दुनिया का सबसे खतरनाक रोड, मतलब आदि कैलाश के साथ साथ में ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा टफ है। टफ तो महादेव के हर एक घर है, लेकिन भाई लंका लग गई। महादेव थोड़ी सी कृपा दिखाओ। आप एक चीज से आइडिया लगाओ कि बाइक है ना 14 किलोमीटर से सिर्फ पहले गियर में चली हुई है, तो इस चीज से आइडिया लगा लो कि भी क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं। ओए हो 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 पाइप 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 दिखे हैं और जान में जान आई है। बिजली महादेव यहाँ से कितना आगे है? हाँ जी घंटा एक डेढ़। अच्छा नहीं, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है वैसे, कितनी है? 1-2 किलोमीटर होगा, 3-4 क्या? पीछे वाला तो बहुत खराब था। ठीक है जी, धन्यवाद। गई बाइक, गई बच गई बाइक, पूरी की पूरी रोटेट हो गई थी, मतलब स्टीयरिंग सीधा, बाइक अपने राइट में। भाई बाइक देखो, यहाँ से घूम के डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी, वो तो जेरिकन पैनियर इन्होंने सेफ, और फिर भी स्लो स्पीड थी, अदरवाइज ना देखा घूम गई थी। चलो उठवाओ, हाँ दबा ले।
अच्छा हाँ ना 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 स्टैंड नाला वे मैं देखूंगा पकड़े रहो। जीरो बनेगी थी नहीं भाई, एक होता है खतरनाक, एक होता है बहुत खतरनाक, तो ये बहुत ही है। पीछे अतुल भाई की बाइक भी गिर गई थी, वो तो स्पीड इतनी स्लो है ना हद से ज़्यादा। मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी यार, बहुत ही ज़्यादा। देखो बाइक ना आगे बढ़ी नहीं रही है, पानी में सही निकालनी पड़ेगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जय हो महादेव, भाई ने भी सैडलिंग कर ही ली। ओहो तेरी के गए थे, बाइक स्पीड मार रही है, चढ़ाई प्लस मिट्टी। मेन रीजन ये है कि अतुल भाई के जब चिपक जाता हूँ ना वो थोड़ी स्लो कर लेते हैं, तो चिपक जाने के बाद फिर बाइक की स्पीड गेन नहीं कर पाता। एक बार जूता साफ कर लूँ मैं, तो चलो 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 कैंपिंग लोकेशन मिल गई, थोड़ा उस तरफ से ले लेता हूँ मैं, इस तरफ से थोड़ा सा। ओए होए होए क्या यार, कितना मजा आएगा। आई थिंक यही है बिजली महादेव, शायद यहाँ पे ही होगा। भाई ये लोग कहां से आ रहे हैं, वाह भाई साहब लोंडे क्या हालचाल, कहां से? कुल्लू से। तो नीचे से कहां से आए अभी आप? मतलब जो ये नगर वाला रास्ता वो वाला क्या? ओके तो अगर अभी जाना होगा तो कहाँ से जाएंगे? इसी रूट से। वाह भाई लोंडे। नहीं आपको पौड़ी होके उतारना आएगा तो ये नहीं उतरेगा ना आपसे। क्यों? उतार सकते हो तो पौड़ी बहुत डाउन है। ओके तुम उतार देते हो। वाह लोंडे बाइक बड़ी मस्त बना रखी है। बिना कागज किए बिना नहीं। अच्छा तो कितनी देर में चढ़ा देते हो नीचे से ऊपर? वाह यार, हाँ कुछ सामान भी तो नहीं है ना? मेन ये भी है, सामान नहीं है ना बाइक के ऊपर? तीन तीन लोग इस पे? ओ भाई हमें तो यार कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए। क्या? हाँ यही कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे यार कैंपिंग वगैरह सेफ है? नहीं नहीं ले जाने की जैसे जंगली जानवर वगैरह का कोई खतरा नहीं? मंदिर से थोड़ा नीचे लगाना ना, मंदिर के पास में लगाते हैं। ठीक है ठीक है। तो कितनी आगे मंदिर? अभी तो लगेगा आपको यहाँ से कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा ज्यादा नहीं है, मतलब इस बाइक के साथ। ओके चलो। वाह भाई लोंडे
हाँ ना ना नहीं पीछे ही नहीं फंसा तो अब क्या घंटा पीछे भी इतना था। अच्छा ओ बॉस बिल्कुल बढ़िया यार चलो मजा ही लेने के लिए आए हैं। भाई वो देखो बाइक कैसे स्किड कर रही है हिमालयन भाई वाली। ये कपल अपना ये भी इस वाले रास्ते से थोड़ा एडवेंचर का मजा लेने के लिए आए थे तो मजा इनको। ओ भाई भाई साहब ओ भाई वो देखो घूम गई हिमालयन खाली हिमालय ना फिर भी देखो कैसे लंका लगेगी आगे तो लंका लगेगी। भाई साहब बुरा हाल है फंस गई। देख लो भाई ये हाल है हिमालयन के हिमालयन से ज्यादा जल्दी तो पैदल जा सकता है हिमालयन से ज्यादा जल्दी तो पैदल चला जाए आदमी। हाँ अरे यही लगानी थी तो फिर वो दूसरे वाले रास्ते से आ जाते जब इतना पंगे में पैर फंसाया ना तो पूरा करो। तुम्हारी तो अभी भी खाली है मेरे वाली में तीन बंदों जितना वेट अभी भी। हाँ ओ भाई हे परमात्मा परीक्षा लेने को बोला है इतनी भी नहीं आपने तो दोबारा से 10th क्लास की परीक्षा में बिठा दिया। मारी मार रही थी पैर भी मार रहे हैं कोई नहीं वन मोर
आराम से चल लियो। चिकनी मिट्टी, ओ भाई गई। बंद कर, बंद बंद बंद, पत्थर दे ओ, पत्थर पत्थर भाई, उठा देगा तो। टीवीएस रेडर एक बार या दो तीन बार स्किड हो चुकी है भाई। मिट्टी ना बहुत ही ज्यादा वो है इसमें, तुम सिर्फ एक ही चीज है, रेस मत दो। बारिश बहुत तेज है और भूख लग ली भाई अब तो गंदे तरीके से, और प्यास भी लगी पड़ी है। पानी हमारे पास है नहीं। ओ भाई
फाइनली भाई 4 घंटे की मशक्कत के बाद आप लोगों ने देख ही लिया है कि भाई कितना ज़्यादा ऑफ रोड था, कितना ज़्यादा गंदे तरीके से बाइकें आई हैं। फाइनली बिजली महादेव पहुंच चुके हैं, ऊपर है अपने सामने बिल्कुल मंदिर। तो और एक बार नज़ारा देखो भाई, यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह हैं, किसी किसी में कैंपिंग में मतलब रात को सोने का भी प्रबंध है। यहाँ पे भी है द हेवन में, ये अपने अजय भाई हैं तो इनका है। तो अभी हमने अपना यहाँ पे चाय वाय पी ली है, थोड़ा कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। अजय भाई बता रहे हैं कि भाई उस तरफ आप कैंप लगा सकते हो, थोड़ा प्लेन एरिया है, तो एक बार फिलहाल कैंप लगाते हैं क्योंकि कपड़े चेंज करने यार ठंड में ना, अदरवाइज तो हालत ख़राब होने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे। यहाँ पर आग जलवा ली है ताकि कपड़े वपड़े सूख जाएँ थोड़े से। रेन कवर भी थे लेकिन फिर भी भाई बारिश पूरा का पूरा दिन थी, तो उनकी वजह से जो सीलन होती है, सीलन की वजह से अंदर के कपड़े भी थोड़े से गिल्ले हो रखे हैं। तो अभी तो बस पहले एक बार कैंप लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बाकी राइडर अभी तक आए नहीं है, मैं और सिर्फ अपना अतुल भाई अभी यहाँ पहुँचे हैं। आग अपनी इस मौसम में तो आग जन्नत है। हाँ 2 मिनट पहले बैठ ही जाते। तो भाई हालत ख़राब हो रखी थी बारिश में, तो मुंह में से देखो कैसे वापें निकल रही है, धुएं की तरह वो प्रेशर वाला काम हो रखा है बिल्कुल। हाँ पूरा दिन बारिश थी।